1985 की चर्चा कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि शिफ्ट ओवर कैसे हुआ, तो 1985 की एक फिल्म रमेश सिप्पी डायरेक्ट करने वाले थे, उनकी जगह पे डायरेक्ट किया सुभाष घई ने। अमिताभ बच्चन मेन रोल करने वाले थे, अमिताभ बच्चन को रिप्लेस किया और आ गए अनिल कपूर। अमजद खान की जगह आ गए अमरीश पुरी और ऐड हो गया और कैरेक्टर जावेद जाफरी। इसी फिल्म से नूतन का कमबैक हुआ और उन्होंने किया था अनिल कपूर की मदर का रोल। इसमें गिरीश कर्नाड ने भी काम किया था और इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और कमाल की बात है, इस फिल्म में एक्टर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर ने भी गाने गाए। परीक्षित साहनी पे जो गाना पिक्चराइज है उसमें आवाज दी सुभाष घई ने। इसी गाने में म्यूजिक डायरेक्टर यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत ने भी अपनी आवाज दी और इसी फिल्म का एक गाना बेबी बोल में जावेद जाफरी ने भी अपनी आवाज दी। फिल्म का नाम मेरी जंग। गुड फिल्म। जावेद अख्तर ने ये फिल्म की पटकथा संवाद कहा कथा लिखी थी। उन्होंने नहीं गाया गाना, मतलब इतने सारे लोग गाना गा रहे थे तो अभी मुझे जावेद अख्तर कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं, उनकी इस प्रतिभा के बारे में तो पता है, लेकिन वो सिंगर हैं कि नहीं हैं और अगर हैं तो कितने बड़े हैं, इस प्रतिभा से मैं अवगत नहीं हूं। और वैसे भी अगर देखो, जावेद अख्तर से आज के युग में गाना गवाना कोई बड़ी बात नहीं, आज तो कोई भी सिंगर बन सकता है। जावेद जाफरी ने जावेद जाफरी ने उस समय गाना गाया। हाँ, और तो आज जावेद अख्तर सबको मिल गया। हाँ, तो फिर हो सकता है कि सर आजकल दो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जिससे किसी भी व्यक्ति को सिंगर बनाया, जैसे आप कुछ कह रहे थे इस युग में आतिफ असलम जैसे सिंगर महान हो सकते हैं, लोग उनका कान पकड़ के नाम लेते हैं। तो फिर क्या कान पकड़ के नीचे बिठा दिया था उसे? नहीं, मैं तो जानता नहीं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है ये जी बताइए जी जी। किसी एक रियलिटी शो में, हाँ जी, एक कंटेस्टेंट आया था जिसने कहा कि पूछा किसी मेंटर ने कि आप किससे सीख रहे हो, तो उन्होंने कान पकड़ के कहा कि मैं उस्ताद आतिफ असलम से सीख रहा हूँ। वाह वाह। तो जब इस युग में सर उस्ताद आतिफ असलम जैसे होंगे तो देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस बच्चे ने अपनी तरफ से अपने दिल की भावनाएं, अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। ये बड़ा से सर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, सूफी जोरदार तालियां सूफी। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो बात ऐसी है कि शायद उसको ऐसा लगा कि ये जो आतिफ असलम है, अच्छे अच्छे सिंगर्स पीछे रह गए और हमारे पड़ोसी मुल्क से आके यहाँ पे बसा वो, जो भी कुछ है, और यहाँ के लोगों ने के भी हमारे कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत शौक है बाहर वालों को बहुत ज़्यादा गवाने का, तो हमारे लोगों ने भी रिएक्ट किया कि भाई हमारे यहाँ कोई कमी है क्या। एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब उसने अच्छे अच्छे लोगों को पीछे पछाड़ दिया अपनी चतुराई से, ध्यान रखिएगा आज के युग में कलाकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं इस पे ज्यादा निर्भर करता है, आपकी कितने बड़े कलाकार हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितने अच्छी तरह से अपने आप को बेच सकते हैं। आपको बिजनेसमैन व्यापारी होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आतिफ असलम ने इस तरह का कुछ चक्कर चलाया हो कि लोगों को भागया, और यहां पर तो एक बार आपको एक बार बताना चाहूं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नशा है लोगों के मन में, जनता के मन में, कि अगर छोटे से कस्बे या गांव में एक गधा भी पहुंच जाए और ये पता पड़ जाए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है तो लोग उसके पीछे भी भागने लगेंगे। नहीं, ये फिल्मों का क्रेज है, हमारी भारतीय सोसाइटी की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं सच बोल रहा हूं आपको, है ना, के फलाने एक्टर जो हैं उनकी ये चौथी संतान होने वाली है, ये फ्रंट पेज पर न्यूज आ जाएगी। लेकिन भगवान देश पांडे एक क्रांतिकारी पूना में सदगति को प्राप्त हुआ, इसकी 3 पेज की न्यूज भी नहीं आती। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ध्यान रखिएगा, किसी और को क्या कहें भाई। तो कबीर ने तो आज से 600 साल पहले बोल दिया है, कबीरा कलयुग कठिन है साधो न मिलिया कोए, कबीरा कलयुग कठिन है साधु न मिलिया कोए, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। किशोर कुमार की जिंदगी का एक उसूल था, पहले पैसा बाद में काम, एक पैसा किसी से नहीं छोड़ते थे, लेकिन एक ऐसी फिल्म की उन्होंने
जिस फिल्म के लिए उन्होंने एक रुपया भी नहीं लिया, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।